हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक छोटी कोशिश। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपने भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। तो इधर हमारी कुछ ज़िंदगी तहस नहस वाली चल रही है, जहाँ हमेशा भाग दौड़ लगी रहती है। तो आज कुछ देर पहले आराम से खा पी रहे थे, फिर कॉल आया कि हमें कहीं जाना है, यानी आना जा रहे हैं आराम। और ये दो दिन का बारिश में हमारे आस पास के हाल है। तो 11 बज के 40 मिनट पर ट्रेन है हमारी, और अभी बच्चों के 10 घर से निकले हैं। देखते हैं हमारी ट्रेन पकड़ती है कि नहीं। बस 5 मिनट बचे हैं ट्रेन पकड़ने में, तो जल्दी से जाती हूँ, ट्रेन पकड़ूंगी तभी बात करूँगी। तो हम लोग ट्रेन में आके बैठ चुके हैं स्टेशन पर। नाकोटा एक्सप्रेस से हम लोग बैठ चुके हैं और 1 घंटे में लगभग आरा पहुँच जाएंगे। क्योंकि फोन में बैटरी कम है तो ज़्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं सकती, और ट्रेन हमारी खुल भी गई। लक अच्छा था, मुश्किल से लोग 1 मिनट भी लेट होते तो हमारी ट्रेन छोड़ जाती। तो हमारी फाइनली हम फाइनली बता रहे कि हमारी भाग दौड़ किस लिए चल रही है। तो चल रही है यहाँ NM की बिहार में 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जाओ, उसी के लिए हम लोग इतना भाग दौड़ करके सोच रहे कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं परमानेंट हो जाए। इसी आस में हम लोग कोविड में भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, और हालत तो बेहाल है ही, चोरी जैसे लगते हैं। ठीक है, कहीं बंद हो गए ना? हाँ नहीं, कहा टेम्पो वगैरह चल रहा है कि इतना बारिश हुआ, कहा नहीं इसमें पानी आया, हम कहना कि बुरा होगा। हाँ हाँ, पानी पूरा पूरा बंद रहा। हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और अभी भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रही है हमारे। सौ ऑटो पकड़ना है और स्टेशन में आना। इसी बीच में आपसे बात करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कहाँ कहाँ पहुँचती हूँ। पैसे खुलने के लिए हम लोग को ये सब खरीदना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी आके खड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा था ऑनलाइन ऐसा सब कुछ भी नहीं है आया। तो हम यहाँ आके खड़े हैं, यहाँ अनुराग का वेट कर रहे हैं। अनुराग गए हैं मेरा फॉर्म लाने, कुछ फॉर्म फिलअप हो रहा है और एक एनवेलप भी शायद लग रहा है। तो हम तो यहाँ लाइन में आए थे लगने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ लाइन वाइन है नहीं, जो आया जिस वो जमा कर दे रहा है, बाकी सब अभी फॉर्म फिलअप करने में ही लटके हैं। तो मेरा भी वही हाल होगा, अनुराग आएंगे तो फॉर्म फिलअप करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा फॉर्म हमने भर लिया है, हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है, अब निकलने की बारी आई। हमने सोचा था जितना दिक्कत तो नहीं हुआ, बट बाबू के कारण जल्दी से ही जाऊँगी। तो अभी कोई ट्रेन है नहीं, तो जा रही हूँ बस स्टैंड पर। बस हम लोग बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, और मुंह पे बजे हैं 12। हम लोग का तो फॉर्म जल्दी जल्दी भरा गया। ट्रेन है 5 बजे, लेकिन कौन जाएगा 5 बजे? जल्दी से बाबू के पास पहुँचना है, इसलिए भाड़ा लगा कर भी जल्दी से पहुँचते हैं। पानी नहीं सब जगह का, सब आड़ा हालत की हुई है। और 10 का भाड़ा 2 गुना या 4 गुना हो गया है,
पर आदमी 200 रुपये ले रहा है, मजबूरी है, जाना ही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और काले हो गए हम। वही कभी कभी सोचते हैं कि नौकरी के लिए कितना इंसान पागल होता है, अभी नौकरी के लिए पागल हो रहा है, फिर बाद में सोचेंगे क्यों जॉब कर ली। एकदम थक कर दूर हो चुकी हूँ, तो अभी पटना बस स्टैंड आ चुकी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ बाइक का, बाइक लेकर कब आएंगे अनुराग। हाँ, बाल का तो हालत कबाड़ा हो जाता है। इसी कारण आजकल हॉल वीडियो नहीं डाल रही हूँ, ना ही स्ट्रेचिंग वीडियो। रोज़ कहीं ना भाग भाग दौड़ चला हुआ। कुछ दिन पहले मोतिहारी गई थी, हाजीपुर गई थी, मुजफ्फरपुर गई थी, आज आरा गई हूँ। तो जॉब लेना इस बार ठान लिया है, चाहे 3 महीना की हो चाहे 6 महीने, जॉब करना है तो करना है। बस स्टैंड में हम बैठे हैं और हम बाइक का इंतजार कर रहे हैं अनुराग को, बिल्कुल बाइक आपको। और अभी बजे लगभग 4। करेगा तू? हाँ कर दो। हेलो, हमने खाना खा लिया और सभी लोग अपने कमरे में जा चुके हैं और बाबू बैठ के फिर चाचू मतलब लैपटॉप देख रहा है, मतलब अभी कोई सोया नहीं है, सब अपने फ़ोन में चिपके हैं, बस ओनली पापा सोए हैं। और हम किचन में इसलिए आए हैं, बाबू गाना देख रहा है, वो भी कुछ पढ़ ही रहा है, तो यानी कुछ भी अगर वीडियो आ जाएगी मेरी और कहीं कॉपीराइट लग गई तो क्या करेंगे हम, तो इसलिए आराम से किचन में आना जहाँ कोई शोर ना हो, फिर भी हल्की शोर होगी लेकिन इतने पता नहीं चलते। तो इसी कारण कोई भी ब्लॉगिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बिजी हूँ इसी कारण। क्या डालूँ, कहीं कभी इधर कभी उधर, हमेशा इधर उधर जा रही हूँ और अभी लगभग ऐसे ही चलते रहेगा। तो खाना बदोस वाली ज़िंदगी तो नहीं खा सकते, उसको खा के निकलती हूँ। खाना बदोस वाली ज़िंदगी यानी रैन बशेरा टाइप, पता नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इधर मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग ही डालूँ, शांति से जब घर में बैठूँगी तभी कोई वीडियो डालूँगी। वीडियो कितना थी, वीडियो शूट करके रखी हुई हूँ हॉल वीडियो का, लेकिन कुछ चीज़ छूटा हुआ है, इसके कारण पूरा वीडियो जब तक बनेगा नहीं तब तक डालूँगी कैसे। और नौकरी के लिए क्या क्या करना होता है, बंदरों जैसा भागो। लगभग आरा गई थी तो 48 सीट थे और वहाँ लगभग 500 लेडीज पहुँची हुई, लेडीज जेंट्स नहीं, सॉरी एनएम की पोस्ट पे जेंट्स नहीं, तो 500 लोग पहुँचे होंगे। सोच लो यार कितनी मारा मारी चल रही है, मेरे जैसे कितनी लेडीज होंगी जो अपने बच्चे को घर में छोड़ के गई होंगी। तो बाबू को हमेशा छोड़ ही के जाती हूँ और आज इतना स्पीड में, मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, तुरंत मेरे पास कोई पेपर का कटिंग या वगैरह कुछ भी थी कि आज यहाँ है, मतलब पहले से कुछ नहीं तैयारी होता कि हमको आज जाना है कहीं, क्योंकि जो भी सोचा हुआ रहता है वो पूरा नहीं होता है, जो जल्दबाजी में ही आता होता है। आज जैसे लगभग 10 बजे 10
नहीं 9:30 बजे लगभग मेरे पास मैसेज आया और लगभग 11 बजे तक हम लोग पटना पहुंच गए, तब ट्रेन हमारी मिल गई, तो मेरे ट्रेन पकड़ के आना चले गए। ठीक है, बहुत बता दिया हमने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। रात भी हो चुकी है, अब आप लोग भी जाइए सोने, हम भी जाते हैं सोने, टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके बगल में एक घंटी की प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और आप मेरे वीडियो को मिस ना करें।